नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से सांसद दानिश वली, जो कि पिछले दिनों काफी चर्चाओं में भी रहे, संसद में जिस तरह से उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसके लिए बीजेपी के एक सांसद को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, अब वही दानिश वली बहुजन समाज पार्टी से बाहर हो गए हैं। मायावती ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अनुशासनहीनता की, उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि की, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। हालांकि फैसला लेने की पूरी आजादी मायावती जी के पास में है, तो उन्होंने वो फैसला किया है, लेकिन इस फैसले का क्या फर्क पड़ने वाला, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है दानिश वली के निकाले जाने के बाद उनकी पार्टी से, इस पर आज चर्चा करेंगे डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी। नमस्कार हमारे साथ। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए, अचानक से मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, ये फैसला बड़ा सरप्राइज करता है कि दानिश अली को बहन जी ने दरकिनार कर दिया, जबकि वोट बैंक के लिहाज से अगर देखें तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बावजूद इसके बाहर क्यों? दरअसल हुआ ये था कि जब महुआ मित्रा के एक्सपल्शन का डिबेट चल रहा था पार्लियामेंट में, तो उस वक्त डिबेट आधे घंटे का था, लोग बाग कह रहे थे कि समय ज्यादा दिया जाना चाहिए, दो चार दिनों बाद बहस होनी चाहिए क्योंकि 400 पन्नों की रिपोर्ट है तो कैसे कोई पढ़ सकता है। ये भी मांग हो रही थी कि महुआ मित्रा को बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए, जो आरोपी होता है उसे अपना पक्ष रखने देना चाहिए। तो ये तमाम बहस चल रही थी, लेकिन लगा ऐसा जैसे सरकार इन सब मामलों में कोई भी रियायत विपक्ष को नहीं देने वाली है, और वैसा हुआ भी। तो इसके पहले कि वो फैसला सुनाया जाता महुआ मित्रा के खिलाफ, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आपने देखा होगा कि प्रस्ताव के समर्थन में तो तमाम वोट पड़े, विपक्ष में शून्य वोट पड़ा। तो शून्य इसीलिए क्योंकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, और वॉकआउट करने वाले सदस्यों में दानिश अली भी थे। अच्छा, वॉकआउट करने वाले सदस्यों में दानिश अली भी थे, बावजूद इसके कि टीएमसी के समर्थन में बीएसपी को उतरना है ऐसा बहन जी की तरफ से कोई फरमान नहीं आया था। अच्छा, हम लोग टीवी पर देख भी रहे थे, आप तो खैर संसद में उस वक्त मौजूद भी थे, हम लोग जो टीवी में देख पा रहे थे संसद टीवी के माध्यम से कि दानिश अली कुछ बात भी कर रहे थे वहां महुआ मोहित्रा से, क्योंकि उनके जस्ट पीछे वाली सीट पर वो बैठे हुए थे, और जिस दौरान उनके ही एक सांसद ये कह रहे थे कि महुआ मोहित्रा को बोलने की इजाजत दी जाए, वो कुछ कन्वर्सेशन भी कर रहे थे लगातार। तो कुछ संकेत दूसरे मिलने लगे थे कि क्या मायावती जी के सांसद अगर बातचीत कर रहे हैं इस तरह से तो क्या उनका इंडिया अलायंस में आने वाले हैं या क्या, वो तमाम बातें होने लगी थी, लेकिन अचानक से उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया इस बात को लेकर। हाँ, तो वही मुझे लगता है कि इमीडिएट रीजन जो कहा जाता है, तात्कालिक फौरी तौर पर क्या वजह रही जो आप जानना चाह रहे थे, तो जिस तरह से उन्होंने महुआ मित्रा प्रकरण में तमाम विपक्ष का जो आचरण रहा है उसी आचरण से अपने आचरण को मिलाकर के वॉकआउट किया, और ये उन्होंने नहीं सोचा कि बीएसपी का नेतृत्व क्या कहने जा रहा है, वो शायद एक ऐसी वजह बनी। और जैसा कि आपने देखा टीवी पर, बहुत लोग देख रहे होंगे, संभव है कि बहन कुमारी मायावती भी देख रही होंगी, और ये अचानक फैसला 24 घंटे के भीतर आ गया। पर इस फैसले को अचानक भले ही कह सकते हैं कल और आज में, लेकिन एक इसकी पृष्ठभूमि जो है वो काफी दिनों से बन रही थी। संसद का जो पहला दिन था यानी के 4 दिसंबर, उस दिन हमने देखा दानिश अली साहब काले कपड़ों में थे, और उन्होंने एक प्लेकार्ड अपनी छाती पे लगा रखा था, उस पे लिखा हुआ था कि जो विक्टिम है उसे कल्प्रिट ना बनाओ, और कुछ और स्लोगन्स, सांसद का अपमान संसद का अपमान है, इस तरह के उन्होंने लगा रखे थे। पर वो प्रोटेस्ट जो था वो वन मैन प्रोटेस्ट क्यों था, ये प्रश्न उस दिन भी दिमाग में आया था। देखिए बीएसपी अगर है वहां तो 10 सांसदों वाली पार्टी है, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वहां पर दानिश अली अकेले महुआ मित्रा के समर्थन में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो
ये बड़े आश्चर्य की बात उस दिन लगी, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि फोकस में तो महुआ मित्रा थी और कहा जा रहा था कि पहले ही दिन टेबल होने वाला है, वो पांचवें दिन हुआ, लेकिन आपको याद होगा शुरुआती दिन ही वो रिपोर्ट टेबल हो जाएगी और महुआ मित्रा एक्सपेल्ड हो जाएंगी, ऐसा अखबारों में पहले भी आ चुका था, शीत सत्र की शुरुआत से ठीक पहले आ चुका था। तो उस दिन भी वो अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कि पार्टी से वो दूर होते चले जा रहे थे, ये एक हकीकत है, क्योंकि बाकी के 9 सांसद कहां थे। और कल भी जब वो वॉकआउट किया तो उन्होंने अकेले वॉकआउट किया, तमाम कांग्रेस के और तृणमूल कांग्रेस के और लेफ्ट के बाकी के जो जितने सांसद विपक्ष के वॉकआउट कर रहे थे उसी में दालीसरी साहब भी वॉकआउट कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में पार्टी से वो दूर हो गए थे, और पार्टी से दूर होने की जो भी वजह रही होंगी, कल जिस तरह से उन्होंने साथ दिया महुआ मित्रा का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में वो फोरफ्रंट पर थे, ऐसा लगता है कि वो पार्टी की, उनकी जो पार्टी है बीएसपी, उसके नेतृत्व को ये गवारा नहीं हुआ। क्या कांग्रेस से नजदीकियां एक वजह हो सकती है, क्योंकि हमने देखा जब भिदुड़ी साहब ने संसद में उनको बहुत ही मतलब किन शब्दों का कहा जाए इस्तेमाल किया उनके लिए, तो हमने देखा राहुल गांधी जाकर मुलाकात की और वो तस्वीरें काफी वायरल भी हुई, फिर ये एक बात चलने लगी क्या राहुल गांधी और करीब आ रहे हैं, बीएसपी क्या अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली है, या फिर दानिश अली क्या पलटी मारने वाले हैं, वो कांग्रेस के साथ जाने वाले, तमाम चीजें हुई थी। तो ये जो क्या जो नजदीकी इधर दिखाई दे रही थी, अब वो थी कि नहीं थी, वो तो अब पता चलेगा कि अब वो किधर जाते हैं, क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो क्या ये नजदीकी मायावती जी को एक भूमिका के तौर पर आगे बढ़ाया और ये फैसला लेने पर मजबूर किया जो आज उन्होंने लिया है? ये संभव हो सकता है। देखिए 21 सितंबर की वो बात है जब उस प्रकरण को घटित होते हम लोगों ने देखा, जो रमेश भिदुड़ी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद, और उन्होंने अपशब्द बोले दानिश अली को, तो उस दिन वो जो अपशब्द बोले गए उसके बाद तमाम ऑपोजिशन की तरफ से उनके लिए एक संवेदना थी, वो अपने घर पे थे। अगले ही दिन राहुल गांधी, 22 सितंबर का दिन था, तो वो पहुंचे और उनसे उन्होंने मुलाकात की, जैसा कि आपने बताया तस्वीरें भी आई, पर उस वक्त ये शिष्टाचार मुलाकात ही लगी थी। लेकिन इसके पहले एक घटना घट चुकी थी, और वो घटना ये थी, राजनीतिक घटना, कि बीएसपी के एक बड़े नेता, मुस्लिम नेता जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, इमरान मसूद, उन्होंने बीएसपी छोड़ दी थी या निकाल दिया गया था उन्हें पार्टी से, अगस्त के आखिरी सप्ताह की बात बता रहा हूं। आप जानते हैं इमरान मसूद सहारनपुर से हैं, राशिद मसूद जो कि बहुत पुराने नेता होते थे उनके भतीजे हैं, और कांग्रेस का जो भी थोड़ा बहुत है वो इमरान मसूद के आसपास ही हुआ करता था सहारनपुर में। फिर उन्होंने पार्टी बदल ली, समाजवादी पार्टी होते हुए वो बीएसपी पहुंचे, लेकिन कहीं से भी उनको सफलता नहीं मिली। इमरान मसूद को मैंने सहारनपुर में और फिर लखनऊ में भी कवर किया है, तो इमरान मसूद वैसे तो मजबूत नेता लगते हैं और उनके सपोर्ट बेस को भी मैंने देखा है अच्छा खासा है, लेकिन वो जो जरूरी वोट्स होती हैं जिसमें कि जीत के थ्रेशहोल्ड को पार कर जाए वहां तक जाते जाते वो पस्त हो जाते हैं। अच्छा, तो सपोर्ट बेस है लेकिन नाकाफी है, अच्छे मजबूत बेस वाले हैं लेकिन वो वोट जो चाहिए उनको वो नहीं मिल पाते। उन्होंने सोचा कि समाजवादी पार्टी से मिलेगा, नहीं मिला, फिर बीएसपी से मिल जाए शायद, तो नहीं मिला, तो वो निकाल दिए गए, उनके ऊपर भी एंटी पार्टी एक्टिविटी का। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस से ही निकले थे और वो कांग्रेस में वापसी करना चाह रहे थे, वो बात नहीं बन पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस से वो निकले थे तो कुछ नेता नाराज थे कि कांग्रेस के बारे में इन्होंने उल्टा सीधा बोला है इतनी आसानी से। तो कहते हैं कि दानिश अली ने इमरान मसूद की पैरवी राहुल गांधी से की। अच्छा, और ये सुनिश्चित किया कि बीती ताही बिसारिये, पीछे की बात छोड़िए, और वो एक मजबूत नेता है उसकी मदद करिए, वो जो लड़ाई लड़ेगा कांग्रेस की वो सहारनपुर में कोई और अभी इस वक्त आपके पास नेता नहीं है लड़ सकता है। क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद सितंबर के महीने में इमरान मसूद ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, हरी झंडी मिल गई, आज वो कांग्रेस के सदस्य हैं। तो ये बात दबी जुबान चर्चा में आई थी, और ये बात थी कि अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल किया था
दानिश अली ने राहुल गांधी के साथ और इमरान मसूद की री एंट्री को फैसिलिटेट किया था, उसे सुनिश्चित किया था। तो भाई दानिश अली इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए? प्रश्न तो ये है कि भाई उनकी बात सुनने लगे राहुल गांधी। तो हुआ ये था कि दानिश अली मूलतः जो है वो बीएसपी के तो है नहीं, वो मूलतः जेडीएस के हैं, जनता दल सेक्युलर, जो कि कर्नाटक की पार्टी है, और मूलतः वो है हापुड़ से, जो दिल्ली गाजियाबाद के बाद हापुड़। तो हापुड़ से है वो, पढ़ाई लिखाई उन्होंने यहाँ जामिया मिलिया से की है, और फिर वो देवेगौड़ा की पार्टी में शामिल हुए, जो भी वजह रही होंगी, और वो कर्नाटक में राजनीति करने लगे। और 2018 में जब जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस के बीच सुलह हुई कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिल करके लड़ना है और फिर सरकार चलानी है, क्योंकि सरकार बाद में चली थी, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कमिटी बना था दोनों दलों का, जेडीएस का और कांग्रेस का, और उस कोऑर्डिनेशन कमिटी जो बनी थी उसमें ये मुखिया थे, कांग्रेस के भी लोग थे, जेडीएस में की तरफ से सबसे प्रोमिनेंट फेस थे, और उस वक्त इन्होंने जेडीएस और कांग्रेस अलायंस को चलाने में एक अच्छी भूमिका निभाई थी, जिस कारण से कांग्रेस का जो नेतृत्व दिल्ली का है उसके साथ इनका कुछ पैठ बन गया था। तो वो पुरानी बात जो है अपने उस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इमरान मसूद की एंट्री फैसिलिटेट कराई, लेकिन उस वक्त से ही ये हल्ला फैल गया, चारों तरफ ये फुसफुसाहट शुरू हो गई कि दरअसल दानिश अली भी इमरान मसूद के बाद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस को क्या फायदा होगा? क्या उत्तर प्रदेश में जिस सीट से वो आते हैं, चलिए मान लीजिए उस सीट पर फायदा हो जाएगा, आसपास थोड़ा और क्षेत्र मान लीजिए वहां फायदा हो जाएगा, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में फायदा हो पाएगा उनके आने से? पूरे उत्तर प्रदेश में तो लगता नहीं कि बहुत फायदा होगा, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश की अगर इलेक्टोरल मैप को समझना है तो आप पाएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर रामपुर से लेकर सहारनपुर तक ये जितने भी सीटें हैं इस इलाके में, सब में मुस्लिम मेजॉरिटी बाकी की जो सीटें हैं उससे ज्यादा है। क्या इसकी तैयारी हो रही है कि अखिलेश यादव अगर साथ नहीं होंगे तो मुस्लिम वोट्स को हमको कैसे साधना है? तो उन नेताओं का साथ तो चाहिए होगा, जैसे कुछ मुस्लिम नेता तो नहीं, हालांकि कुछ और वर्ग के तोड़े गए और वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए। ये संभव है, प्लानिंग चल रही है, ये प्लानिंग चल रही है। और जैसा कि मैं कह रहा था, रामपुर से लेकर सहारनपुर तक, चाहे वो आप रामपुर की सीट ले लें, चाहे वो मुरादाबाद की सीट ले लें, चाहे वो बिजनौर की सीट ले लें, आप अमरोहा की सीट ले लें, और बढ़ते चले जाइए, आपको मुस्लिम बहुल सीटें इसमें आपको मिलेंगी, कहीं 30% 25% इस तरह से वोट्स, कहीं कहीं 40-50% तक वोट, 50% के आसपास मुरादाबाद में मुस्लिम मेजॉरिटी कहते हैं कि वोट्स हैं। आपने देखा होगा कि बीएसपी और सपा का गठबंधन हुआ था 2019 के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी को इसी इलाके में हार मिली थी, और 73 सीटें आई थी, 71 खुद की आई थी 2014 में, वो घटकर के 62 हो गई थी, तो वो 10 सीटें बसपा को चली गई थी, सबसे ज्यादा फायदे में तो वही रही, बसपा ही रही थी, तो बसपा से ही सांसद बने थे दानिश अली, और उन्होंने बस ज्वाइन किया था बीएसपी देवेगौड़ा जी की पैरवी पर, और तुरंत उन्हें, क्योंकि वो नेटिव थे उत्तर प्रदेश के और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, देवेगौड़ा जी और मायावती जी में ठीक ठाक संबंध थे, तो उन्होंने उनको टिकट दे दिया और अमरोहा की सीट जीत गए। भारतीय जनता पार्टी वहां से काबिज थी उस सीट पर, और कई दफे भारतीय जनता पार्टी अमरोहा से जीती है, और वहां पर इन्होंने चुनाव लड़ा, और दलित वोट भी है वहां, और वहां पर मुस्लिम वोट भी है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के उनको जीत मिली, 60,000 के आसपास वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, उन्होंने हराया था, तो इस तरह से वो बन गए बीएसपी के सांसद। पर हिमांशु, मैंने हमेशा ये देखा पार्लियामेंट में कि वो बीएसपी सांसदों का जो समूह होता था उससे हमेशा दूर दूर ही रहते थे, और इनके अपने लिंकेज से, इनके मित्रों में कांग्रेस के, इनके मित्रों में समाजवादी पार्टी के, और इस तरह के लोग हुआ करते थे। देखिए, बीएसपी का जहां तक सवाल है, उसके उनके लिए पहला शब्द और आखिरी शब्द तो बहन जी का शब्द होता है, तो उसी तरह से चलते हैं, शायद उस संस्कृति के नहीं हैं दानिश अली, जिस कारण से उन्हें आज ये हुआ। तो ऐसे में ये घटनाक्रम जो है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कांग्रेस के लिए, अगर इमरान मसूद आए हैं, दानिश अली कल को आते हैं, तो शायद
थोड़ी स्थिति बेहतर कर सकते हैं। कांग्रेस की स्थिति बेहतर बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकती है, आप जानते हैं, जब तक कि बहुत ठोस गुणागणित नहीं हो जाए, कल को बीएसपी ही साथ ना आ जाए या सपा साथ हो जाए तो बात है, अकेले दम तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है स्थिति। लेकिन फिर भी जैसे कि अपनी सीट पर तो बहुत जबरदस्त लड़ेंगे ही, दानिश अली भी लड़ेंगे, इमरान मसूद भी लड़ेंगे, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाने की कांग्रेस की कोशिश है। पर मुझे ये लगता है कि दानिश अली अगर बिना दलित वोटों के कैसे मैनेज करते हैं चीजों को, यहाँ ये देखना होगा। बहन जी, इंडिया अलायंस को क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश दे रही है दानिश अली को निकालकर? जी हाँ बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी महुआ मित्रा के खिलाफ एक एक्शन लेती है, सरकार लेती है, और वो पाती है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे मुखर है महुआ मित्रा के खिलाफ, और बीएसपी का एक सांसद महुआ मित्रा का साथ देता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि इंडिया अलायंस, जो कि कल आपने देखा होगा वो तस्वीर जब महुआ मित्रा बोल रही हैं और तमाम विपक्षी नेता पीछे खड़े हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, बड़े नेता सब पीछे खड़े हैं। और एक बड़े गौरव की बात है महुआ मित्रा के लिए, क्योंकि उनकी राजनीति अभी ज्यादा उस लिहाज से ज्यादा नहीं है, जो उनके पीछे लोग खड़े हैं वो तो दिग्गज दशकों से। लेकिन इंडिया अलायंस, मैं ये कहना चाहता कि वो इंडिया अलायंस खड़ा है, और उस इंडिया अलायंस में आपको बीएसपी नहीं दिख रहा है। बीएसपी का एक सांसद अगर आ गया तो उसे बाहर कर दिया गया, बड़ा स्पष्ट संदेश है कि साहब हम आपके साथ तो नहीं हैं। अभी तीन राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, हर जगह 2-3% वोट लेकर के बीएसपी आई है, एक जगह उसने अपनी सीट भी ली है, लेकिन वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। अगर वो शायद साथ होती कांग्रेस के तो कहीं कुछ चमत्कार भी हो सकता था, जहां जहां 2% से हार हुई है या कुछ इस तरह का, लेकिन वो इस फेवर में नहीं है। वो किस दिशा में जा रही है, वो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी है अगर, तो वो किसका लाभ है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का लाभ है, और क्या इससे मुस्लिम वोट बैंक जो है उससे पूरी तरह से छिटक जाएगा? ये तमाम प्रश्न है जो इस फैसले के बाद, जो कि दानिश अली के संदर्भ में लिया गया है, उसके बाद उठने लगे। अब ज्यादा वक्त नहीं है, देखिए लोकसभा चुनाव होना ही है कुछ महीनों बाद, और पता ही चलेगा कि मुस्लिम वोट छिटकेगा मायावती जी से या फिर नहीं छिटकेगा, या फिर इस फैसला, ये जो मायावती जी ने फैसला लिया है उसका असर असल में क्या होगा? दानिश अली क्या कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर कोई और विकल्प तलाशेंगे इंडिया गठबंधन में, क्योंकि उन्होंने अपना साथ दिया है, उन्होंने खुद प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने पूरी तरीके से वो बातचीत भी करते रहे महुआ मोहित्रा के साथ, तो ये संकेत तो है कि वो इंडिया अलायंस में कंफर्टेबली इन्वॉल्व थे, लेकिन अब क्योंकि मायावती जी ने उनका साथ छोड़ दिया है तो वो किस नाव को पकड़ेंगे और कैसे उनकी जो नदी है वो पार होगी आने वाले वक्त में देखेंगे। आपको क्या लगता है, दानिश अली को निकाला गया है तो उनका असल कसूर आखिरकार क्या है? क्या हमने जो पॉइंट्स बताए हैं वो है, या फिर आपके मन में कुछ और भी बात है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।